Hi everyone, this is Brijesh Singh. Welcome to my YouTube channel. Redemption और debenture topic अभी केवल मुझे ही आता है अच्छे से. ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखना, आपको भी गारंटी आएगा. ओके, बस आप फुल कॉन्सेंट्रेशन सुनना सर क्या बता रहे हैं. हेडफोन लगाए और सुने अच्छे से, एकदम इसी टॉपिक है. अगर आप शुरू से एक लास्ट तक फुल कॉन्सेंट्रेशन सुनेंगे तो अच्छे समझ में आएगा. गारंटी जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा सब सच पढ़ाऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा. ओके, ध्यान देना. देखो, कंपनी पैसा रेस करती है इक्विटी शेयर होल्डर से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, डेबेंचर से, बैंक लोन. बैंक को हम पे करते हैं इंटरेस्ट, डेबेंचर होल्डर को पे करते हैं इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम पे करते हैं डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर को हम पे करते हैं डिविडेंड. अब कंपनी का एक्सपेंसेस होता है डेबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, बैंक के ऊपर इंटरेस्ट पे करना. तो कंपनी का एक एक्सपेंसेस है डेबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना, बैंक का लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना. तो कंपनी उस इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, कंपनी इंटरेस्ट सेव करने के लिए अपना ही डेबेंचर परचेस कर लेते हैं. सर अपना डेबेंचर कहां से परचेस करते हैं? ओपन मार्केट से. मार्केट में कुछ डेबेंचर्स होंगे, अपना ही डेबेंचर वो खरीद लेने का. इसका फायदा क्या रहता है अपना डेबेंचर खरीदने का? इट इज सेम एज रिडम्पशन जैसा ही होता है, इट इज सेम एज रिडम्पशन जैसा ही होता है, लेकिन हम ओपन मार्केट से परचेस करते हैं. इसका फायदा क्या रहता है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ परचेसिंग योर ओन डेबेंचर? पहला, आपका इंटरेस्ट बच जाता है. वो जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है अगर अपने डिबेंचर आप परचेस कर लोगे तो आपका इंटरेस्ट बच जाएगा पहला. सेकंड, आपका प्रीमियम बच जाता है. कैसे सर? जब आप डिबेंचर रिडीम करते हैं तो प्रीमियम देते हैं. हो सकता है वो जो डिबेंचर मार्केट में है वो आपको सस्ते में मिल रहा है, तो आपने वो डिबेंचर परचेस कर लिया विदाउट प्रीमियम, तो आपका प्रीमियम बच गया. जो फ्यूचर में दोगे ना, जो आप फ्यूचर में दोगे डिबेंचर होल्डर लोग को प्रीमियम, वो भी नहीं देना पड़ रहा क्योंकि मार्केट में सस्ते में उठा लिया आपने डिबेंचर. थर्ड एडवांटेजेस क्या होता है? हमें डिबेंचर ना डिस्काउंट में मिल गया. अज्यूम करो एक फेस वैल्यू होता है डिबेंचर 10,000 था, हमने उसको 9,000 में खरीद लिया, तो कंपनी का पैसा बच गया ना. तो कभी कभी कंपनी अपना ही डिबेंचर परचेस कर लेती है. एडवांटेजेस अभी बताया आपको. इस वीडियो में आपको डिबेंचर का बेसिक जनरेटिव समझाऊंगा, तीन पार्ट है उसके. वेन डिबेंचर परचेस फॉर इमीडिएट कैंसलेशन, तब जनरेटरी क्या आएगा उसके ऊपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे एक एक. सेकेंड, वेन डिबेंचर वी हैव परचेस इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ओन डिबेंचर बोलते हैं, तो उसके अंदर भी दो सिचुएशन है. कुछ टाइम के बाद रीसेल कर दिया तब अकाउंटिंग कैसे करोगे, और कुछ टाइम के बाद कैंसिल कर दिया तब अकाउंटिंग कैसे करोगे. तो तीन पार्ट है इसके, ध्यान से सुनना तभी अच्छे समझ में आएगा. और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड से शेयर करें अच्छा लगा तो, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट पहले ये समझेंगे, इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे, फिर सेकेंड लिख के दूंगा. सुनो, डेबेंचर परचेस पर इमीडिएट कैंसिलेशन, हमने मार्केट से डेबेंचर परचेस किया ऑन द स्पॉट कैंसिल करने के लिए. कैंसिलेशन का मतलब एक टाइप का रिडम्पशन ही हो गया. इमीडिएट कैंसिलेशन मतलब डेबेंचर परचेस करो उसको कैंसिल कर दो, एक टाइप का रिडम्पशन ही हो गया. तो जब भी डेबेंचर परचेस करोगे फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, जरा ध्यान देना एंट्री क्या पास करेंगे. डेबेंचर परचेस फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, ये एंट्री अच्छे से देख लो, इसको याद कर लेना. मैं समझाता हूँ कैसे याद करना है इसको. देखो, डेबेंचर डेबेंचर क्रेडिट होता है, उसको कैंसिल करना है तो डेबेंचर को हमेशा डेबिट कर देगा, उसका फेस वैल्यू लिखेगा. फेस वैल्यू डेबेंचर का हमेशा फेस वैल्यू लिखना है, फेस वैल्यू. ओके, तो डेबेंचर का हमेशा क्या लिखोगे? फेस वैल्यू. डेबेंचर क्रेडिट होता है, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करना, क्योंकि कैंसिल कर रहे हो तो डेबेंचर को डेबिट करना. नेक्स्ट, डेबेंचर इंटरेस्ट किधर से आया सर? सुनो, एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको. डेबेंचर इंटरेस्ट कब आएगा सर? एग्जाम्पल, कंपनी इंटरेस्ट पे करती है साल में दो बार, एक पे करती है 30 जून को और एक पे करती है 31 दिसंबर को. एज्यूम करो कंपनी डेबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है 30 जून को और 31 दिसंबर को. हमने किसी से डेबेंचर परचेस किया, पकड़ के चलो फर्स्ट मार्च को परचेस किया, कभी फर्स्ट मार्च को परचेस किया, तो हमने जिससे डेबेंचर परचेस किया होगा उसको दो महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला होगा, हम अपना जेब से उसको इंटरेस्ट पे करते हैं. कंपनी इंटरेस्ट देती है 30 जून को 31 दिसंबर को, 6-6 महीने का इंटरेस्ट देती है. हमने जिससे भी ओपन मार्केट से डिबेंचर परचेस किया
सोचो ओन डेबेंचर परचेज करेंगे डेट को, कभी फर्स्ट मार्च को परचेज किया तो उसको दो महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला रहेगा ना जैन और फेब का। फर्स्ट मार्च को अगर आपने किसी से डेबेंचर परचेज किया तो जिससे परचेज किया उसको दो महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला रहेगा, हम अपना जेब से उसको देंगे। तो जब अपना जेब से डेबेंचर इंटरेस्ट पे करोगे, इट इज माई लॉस, डेबिट ऑफ द एक्सपेंस एंड लॉस, इसीलिए डेबेंचर इंटरेस्ट डेबिट कर देना। लेकिन डेबेंचर इंटरेस्ट कब आएगा मालूम है? जब वो ड्यू डेट के बाद इंटरेस्ट अक्रू रहेगा, तो जैसी ड्यू डेट हुआ उसके बाद परचेस किया तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये डेबेंचर इंटरेस्ट कब डेबिट होगा? जब 31 दिसंबर को आपने ब्याज पे कर दिया और 1 मार्च को किसी और से खरीदा, दो महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ड्यू डेट के बाद हम डायरेक्टली परचेस किया तो ब्याज नहीं आएगा। ओके, सो डेबेंचर डेबिट करना फेस वैल्यू से। डेबेंचर इंटरेस्ट जितना तुमने पेड किया, देखो लिखा हूं, डेबेंचर इंटरेस्ट तुम जितना पे करोगे उतना डेबिट कर देना, दो डेबिट समझा। अब आप सामने वाले को पैसा दिया रहेगा, जब भी बैंक लिखोगे ना कम इंटरेस्ट का लिखोगे, जब भी बैंक तुम लिखोगे तुम कम इंटरेस्ट का लिखना। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब उस बैंक कभी भी तुम लिखोगे ना कसम खाओ, बैंक कभी भी लिखोगे तो कम इंटरेस्ट का लिखो। कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, अगर एक्स इंटरेस्ट दिया होगा उसमें इंटरेस्ट ऐड करके लिखना। बैंक हमेशा कम इंटरेस्ट का लिखना, बैंक हमेशा कम इंटरेस्ट के साथ लिखने का। तो तीन कंफर्म हो गया, डेबेंचर फेस वैल्यू लिखना है, डेबेंचर इंटरेस्ट तुमने जितना पे किया वो लिखना है, बैंक हमेशा कम इंटरेस्ट का लिखना है। जब आप इसको टैली करोगे तो डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंस डेबिट में आएगा तो बोल देना लॉस ऑन कैंसलेशन, डिफरेंस अगर क्रेडिट में आएगा तो बोल देना प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, मतलब दोनों में से एक ही होगा एग्जाम में, दोनों नहीं होगा एक ही होगा। ओके, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कहां घुमाने का? कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन क्रेडिट किया, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन को बाद में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, क्योंकि कैंसलेशन वन टाइम होता है, जो वन टाइम होता है उसमें जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व में घुमा देना। तो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन क्रेडिट, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट किया, तो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन टू कैपिटल रिजर्व। और सर लॉस हुआ तो लॉस पीएनएल में घुमा देना। ओके, ये एंट्री याद रहेगा। अभी क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान देना, सुनो, एक एग्जांपल करते हैं इसको समझाने के लिए। बी लिमिटेड परचेस इट्स ओन डिबेंचर 11, बी लिमिटेड परचेस इट्स ओन 11% डिबेंचर इन ओपन मार्केट फॉर 50 लाख, कितने खरीदा? 50 लाख कम इंटरेस्ट है, बोला ना 50 लाख कम इंटरेस्ट का मतलब होता है 50 लाख के अंदर इंटरेस्ट भी साथ में दिया उसने। B Limited purchases own 11% debenture in open market for 50 lakhs कम इंटरेस्ट, मतलब जो 50 लाख मैंने दिया ना उसके अंदर इंटरेस्ट भी साथ में दिया है। The interest including the purchase price is 1,50,000, इंटरेस्ट कितना पे किया हमने? 1,50,000। और फेस वैल्यू क्या है उस डेबेंचर का? 52 lakhs। कंपनी कैंसल दिस डेबेंचर इमीडिएटली, सुना? तो एंट्री क्या पास करें, ध्यान देना। सोल्यूशन, ऐसा केस में सोल्यूशन देखो, जरा ध्यान देना। डेबेंचर को स्टार्ट कैंसिल करना है तो डेबेंचर को डेबिट करोगे, बरोबर? डेबेंचर को डेबिट करो, कितना उसका फेस वैल्यू? थोड़ा वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है? 52 लाख, बरोबर? डेबेंचर 52 लाख कैंसिल किया। सर डेबेंचर इंटरेस्ट डेबिट होगा ना, क्योंकि अपने जेब से हमने पे किया, तो अपने जेब से कितना इंटरेस्ट पे किया? तो बोलेंगे डेबेंचर इंटरेस्ट, डेबेंचर इंटरेस्ट कितना पे किया हमने? 1,50,000 का। ओके, नेक्स्ट, हमने पैसा कितना दिया सामने वाला? 50 लाख। तो पैसा दिया तो बैंक क्रेडिट होगा, तो लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक कितना पैसा दिया? टोटल 50 लाख। कभी भी 50 लाख कभी भी बैंक लिखोगे ना वो कम इंटरेस्ट का लिखना, देखो ना कम इंटरेस्ट, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, मिला? जब आप इसको टोटल करोगे 52 लाख प्लस 1,50,000, 53,50,000 माइनस 50 लाख, तो डिफरेंस आता है कितना? 3,50,000 का डिफरेंस आता है। इसी को बोल देना, क्या बोलोगे? प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। फर्स्ट एंट्री समझा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट किधर घुमाएंगे? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वन टाइम होता है कैंसलेशन। कैंसलेशन लाइफ में वन टाइम ही कर सकते हो, कैंसलेशन लाइफ में वन टाइम ही होता है, तो जो प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल रिजर्व में घुमा देना। एंट्री क्या आएगा? प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू
कैपिटल रेशो। सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो ना, सीधा यहाँ कैपिटल रेशो लिख दो, एक ही बात है। समझ में आया? तो फर्स्ट पार्ट समझा, डेबेंचर परचेस फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, मेरे को तो याद हो गया, आपको याद हुआ कि एंट्री देखो डेबेंचर कभी भी डेबिट कर देना फेस वैल्यू से, आपने जितना इंटरेस्ट पे किया रहेगा अपना जेब से डेबेंचर इंटरेस्ट को भी डेबिट करना, और बैंक हमेशा जो क्रेडिट करोगे ना कम इंटरेस्ट साथ करने का, कम इंटरेस्ट मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होना चाहिए। तो डेबेंचर डेबिट, डेबेंचर इंटरेस्ट डेबिट, बैंक क्रेडिट, अब टैली कर दो तो डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट लॉस रहेगा, ऊपर आएगा तो लॉस, नीचे आएगा तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल रेशियो में घुमाना, लॉस आएगा तो पी एंड में घुमाने का। समझ में आया? अभी हम सेकंड सीखेंगे जहां पे डिबेंचर हमने परचेस किया एज ए इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ओन डिबेंचर बोलते हैं, यहां से ओन डिबेंचर शुरू होता है। इमीडिएट कैंसिलेशन करते हैं तो ओन डिबेंचर वर्ड नहीं यूज करने का। ओके, डेबेंचर परचेस फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन अभी हमारा हो गया, अभी अपन सेकंड सीखते हैं। डेबेंचर जब हम परचेस करते हैं ना, कुछ टाइम तक होल्ड करके रखेंगे और पैसे का जरूरत पड़ा तो हम बाद में बेच देंगे। डेबेंचर कुछ लोग परचेस करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो देखो ये साइड फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर अपना डेबेंचर तुम परचेस करते हो जस्ट लाइक अदर इन्वेस्टमेंट, और कुछ समय के बाद आपको पैसा अच्छा मिला तो आप सेल कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, तो उसमें भी दो सिचुएशन है। जब भी आपने डिबेंचर आप परचेस करोगे फॉर इन्वेस्टमेंट तब बोलने का ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर। जैसे अपन नॉर्मल इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? जब हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सुने ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस यहाँ पे ओन डिबेंचर लिख देना, ओन डिबेंचर, क्योंकि खुद का ही डिबेंचर परचेस किया है, तो एंट्री क्या आएगा? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सर बीच में ये क्या लिखे हो, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, इसको समझने के लिए जरा ध्यान देना इधर। सोचो स्टूडेंट, कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किया है सोचो उस पर इंटरेस्ट पे करती है 6-6 महीने के बाद, 30 जून को पे करती है, 31 दिसंबर को पे करती है, ठीक है, 6-6 महीने का इंटरेस्ट पे करते हैं। अब सोचो हमने किसी से डिबेंचर परचेस कर लिया 1 मई 2011 को, हमने किसी से डिबेंचर ओपन मार्केट से परचेस कर लिया 1 मई को, तो मुझे बताओ जिसे तू परचेस किया रहेगा, जिसे तुमने परचेस किया होगा उसको 31 दिसंबर तक का ब्याज मिल गया रहेगा? जैन का ब्याज नहीं मिला रहेगा, फेब का ब्याज नहीं मिला, मार्च अप्रैल और फर्स्ट मई तो नहीं गिनेंगे, जैन फेब मार्च अप्रैल 30 अप्रैल तक, मतलब 4 महीने का उसको इंटरेस्ट नहीं मिला होगा, तो मैं अपना जेब से उसको इंटरेस्ट पे करूंगा। सुने, फिर से बोलता हूं, कंपनी ने इंटरेस्ट 31 दिसंबर तक दे दिया, मैंने किसी से डिबेंचर परचेस किया 1 मई को, तो 4 महीने का इंटरेस्ट एक्रू था ना जो उसको नहीं मिला, मैं अपना जेब से उसको पे करूंगा, तो 4 महीने का इंटरेस्ट एक्रू होता है, मैं अपना जेब से पे किया, उसीलिए बोलता हूँ इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट रहेगा ना अपना ओन डिबेंचर से एडजस्ट कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर से, मैं जो अपने जेब से भी दे रहा हूं ना बाद में मुझे रीइंबर्स मिल जाएगा, तो इसीलिए क्या वर्ड यूज करना, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। समझ में आया? 3 एंट्री समझ में आया? एंट्री कैसे पास करोगे? त्रिशूल जैसा। तो जब भी तुम डिबेंचर परचेस करते हो एंड एस इन्वेस्टमेंट तो एंट्री आएगा ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कभी भी बैंक लिखोगे ना वो कम इंटरेस्ट सत्र रहना चाहिए, कम इंटरेस्ट सत्र रहना चाहिए, कभी भी बैंक तुम लिखोगे हमेशा कम इंटरेस्ट रहना चाहिए। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडिंग होना चाहिए। सर अगर एक्स इंटरेस्ट रहेगा तो उसमें इंटरेस्ट ऐड करना, एकदम इजी है। फिर से बोलो ना, वो जो ओन डिबेंचर परचेस करते हैं एक तो रीसेल करते हैं और बाद में दूसरा कैंसिल करते हैं, क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं।
जब हम बॉन्ड डिबेंचर परचेस किए, पता चला कुछ 6 महीना हमने रखा और हमें पैसे का जरूरत पड़ा तो हमने उसको फिर से सेल कर दिया, रीसेल मिला, या कुछ लोग 6 महीने के बाद उसको कैंसिल कर दिए, वो बाद में सिखाता हूँ, थर्ड पार्ट है अपना, अभी सेकंड पार्ट समझते हैं। अगर ओन डिबेंचर परचेस किया और रीसेल कर दिया कुछ समय के बाद, तो एंट्री क्या है जरा ध्यान देना। सबसे पहला, जब तुमने ओन डिबेंचर परचेस किया था तो डेबिट किया था, आज उसी को बेच रहे हो तो ओन डिबेंचर क्रेडिट करना। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट समझा, ओन डिबेंचर क्रेडिट क्यों करेंगे? नाउ ओन डिबेंचर क्रेडिट करेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किधर से आया सर? सोचो ना, हमने परचेस किया, हमने भी उस टाइम के बाद बेच दिया, 1 नवंबर को बेच दिया, तो उसका ब्याज मुझे मिलना चाहिए ना। 5 महीने का बैच का, इसे 30 जून तक का बैच मिल गया था मुझे, 5 महीने का इंटरेस्ट मुझे नहीं मिला, मैंने किसी और को वापस बेच दिया, तो 5 महीने का इंटरेस्ट वो आदमी अपने जेब से। अगर मैंने वो डिबेंचर परचेस किया था और 1 नवंबर को बेच दिया, तो मैंने भी तो 5 महीने रखा था उसको, तो मुझे भी उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो जिसको भी बेचूंगा ना वो आदमी अपने जेब से मुझे ब्याज देगा, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। ये मेरा इनकम है स्टूडेंट, ओन डिबेंचर समझ गया, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर समझ गया। बैंक हमेशा कम इंटरेस्ट के साथ लिखना है, बैंक हमेशा कम इंटरेस्ट के साथ लिखना है, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड रहना चाहिए। तो 3 कन्फर्म हो गया ना, तो तीनों कन्फर्म हो गया, त्रिशूल जैसा, बैंक कम इंटरेस्ट आएगा, ओन डिबेंचर जितना डेबिट किया था उतना क्रेडिट कर दो, और इंटरेस्ट जो तुमने कमाया है वो लिखो, और जो टैली करो तो डिफरेंस आएगा ना, ऊपर आएगा तो लॉस, नीचे आएगा तो प्रॉफिट, लॉस रहेगा तो पीएनएल में घुमा दो, प्रॉफिट रहेगा तो भी पीएनएल में घुमा दो, क्योंकि ओन डिबेंचर परचेस एंड ओन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट एंड आफ्टर दैट वी हैव रीसेल, ये बार बार होगा ना। मान पड़ा फिर से कभी पैसा, मान पड़ा कुछ टाइम फिर से मैंने अपना डिबेंचर परचेस किया, फिर से सेल किया, फिर से परचेस किया, फिर से सेल किया, परचेस सेल परचेस सेल, बार बार होगा, जो चीज बार बार होता है उसका तो प्रॉफिट लॉस होगा ना, वो पीएनएल अकाउंट में घुमाने का, मतलब प्रॉफिट हो तभी भी पीएनएल में घुमा देने का, लॉस हो तभी पीएनएल में घुमा देने का। बोलो समझा, समझ में आया कि नहीं कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगेगा मुझे। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं जरा ध्यान देना। ऑन 1/1/2011 बी लिमिटेड हैड 1012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 1000 × 200 मतलब 1 लाख का डिबेंचर है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल ऑन 30th June, 31st December, ये उसी के लिए बना के रखा हूं, 30th June और 31st December को ब्याज मिलता है, देखो ऊपर इंटरेस्ट लिखा हूं। नेक्स्ट, ऑन 1/5/2011 कंपनी परचेस 300 ओन डिबेंचर, कितना डिबेंचर परचेस किया, 300 ओन डिबेंचर एट 93x इंटरेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड सोल्ड द सेम एट 99 कम इंटरेस्ट। देख रहे हो, हमने परचेस किया था और कुछ समय के बाद हमने उसको बेच दिया आफ्टर 6 मंथ, तो हमने डिबेंचर परचेस किया था 1/5 को, देखो ओडी मतलब ओन डिबेंचर, और 6 महीने के बाद हमने बेच दिया, मतलब 1/11 को हमने बेच दिया, ये क्या किया, सेल कर दिया, ये तारीख को हमने सेल कर दिया, सेल ऑफ ओन डिबेंचर। तो जरा ध्यान देना कैसे करना है, एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, थोड़ा इमेजिनेशन, कंपनी ने डिबेंचर, ये डिबेंचर का फेस वैल्यू क्या है, ये डिबेंचर का फेस वैल्यू, और उस 1 लाख डिबेंचर, जो 1 लाख समझ में कैसे है, 1000 × 100 1 लाख का डिबेंचर है, उस 1 लाख में से कितना डिबेंचर हमने परचेस किया, अभी ओन डिबेंचर बोलेंगे ना उसको, 30,000, ये एरो का मतलब हमने खरीद लिया, और 70,000 डिबेंचर अभी भी आउटसाइडर है, इसमें से 70,000 अभी भी पब्लिक के पास है और 30,000 हमने खुद खरीद लिया, तो किसका ब्याज बच जाएगा, इसका ब्याज बच जाएगा ना, इसका ब्याज हमें देना पड़ेगा पब्लिक को। तो एंट्री क्या पास करें, जब भी हम ओन डिबेंचर परचेस, क्या डेट को परचेस किया था, 1/5 को परचेस किया ना, तो 1/5/2011 को जब हम ओन डिबेंचर परचेस करेंगे तो पहले ये एंट्री पास करेंगे, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर टू बैंक, बरोबर, यस सर, शाबाश। तो सुनो, 1/5 को जब तुम डिबेंचर परचेस करोगे तो कितना महीने का इंटरेस्ट हमें अपना जेब से देना पड़ेगा उस बंदे को, जब हमने ओन डिबेंचर परचेस किया 1/5 को, तो कितना महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जैन फेब मार्च अप्रैल, जब हमने ओन डिबेंचर ओपन मार्केट से परचेस किया आउटसाइडर से, तो हमें अपना जेब से ब्याज देना पड़ेगा उसको, 1/5 को परचेस किया तो 1 2 3 4
उल्टा गिनने का, तो चार महीने का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपना जेब से। एंट्री क्या पास करेंगे, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है, अच्छे से करके जाना। ओन डिबेंचर कितना परचेस किया था, ओन डिबेंचर देखो हमने कितना डिबेंचर परचेस किया, 300 डिबेंचर परचेस किया था एट 93x इंटरेस्ट ना, 300 इंटू 93 करने का, 300 इंटू 93 कितना होते हैं, तो 300 इंटू 93 आंसर 27,900। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा, उल्टा गिनने का, चार महीने का इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट हमेशा अपन फेस वैल्यू भी लेते हैं, व्हाट इज द फेस वैल्यू 30,000, तो 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12%, इस पे इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12%, तो 30,000 के ऊपर 12% कितना महीने का हम अपना जेब से दिए, 1, 2, 3, 4 इंटू 4/12 करने का, तो 30,000 के ऊपर 12% इंटू 4/12 आंसर आता है 1200। और मैं कितना बार बोला, बैंक हमेशा कम इंटरेस्ट के साथ लिखना है, तो दोनों प्लस कर दो, कम इंटरेस्ट आएगा तो प्लस 27,900, व्हाट इज द कम इंटरेस्ट, 29,100। फर्स्ट एंट्री समझ में अच्छे से, फर्स्ट एंट्री समझ में आया, जब हम डिबेंचर परचेस करेंगे ये एंट्री पास करेंगे, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर टू बैंक। आगे बढ़ते हैं, 30 जून को हम इंटरेस्ट पे करेंगे ना, जब हम ब्याज पे करेंगे 30 जून को, तो कुछ बाहर वाले को देंगे और कुछ का ब्याज हमें खुद मिलेगा, ओके। तो जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे 30 जून 2011 को, जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे 30 जून 2011 को एंट्री आएगा डिबेंचर, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो बाहर वाले को देंगे, और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। अब सुनो, चार महीने का ब्याज हमने अपने जेब से दिया ना बाहर वाले को, तो हमें पूरा ये जो एंट्री मारोगे ना, याद रखना 6 मंथ का मारना पूरा का पूरा, नो टेंशन, 6 महीने का सीधा मारना। तो बताओ डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना था, 1 लाख, 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर 12% 6 मंथ का 6,000 आएगा, चेक कर लो, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 1 लाख इंटू 12% इंटू 6/12 आंसर आएगा 6,000, सीधा 6 मंथ का निकालो, नो टेंशन, मैं जो बता रहा हूं एकदम करेक्ट बता रहा हूं। नेक्स्ट, आउटसाइडर कितना लोगे वो इश्यू है, सुनो आउटसाइडर कितने इसमें, केवल 70,000 ना, तो 70,000 के ऊपर 12% 6/12 आंसर आएगा, 70,000 के ऊपर 12% इंटू 6/12 आंसर आता है 4,200 आउटसाइडर को दिया जाएगा, 70,000 के ऊपर 12% 6 मंथ का आउटसाइडर को दिया जाएगा, और कितना डिबेंचर का इंटरेस्ट हमें मिलेगा 30,000 का, तो 30,000 के ऊपर 12% 6 मंथ का हमें मिलेगा, क्योंकि उसको हमने रखा है, तो 30,000 के ऊपर 12% हाफ आंसर 1,800। बोलो समझा अच्छे से, इसका लॉजिक क्या है सर, हमने जब ओल्ड डिबेंचर परचेस किया था सर, हमने कितना कमाया, ये ओल्ड डिबेंचर परचेस करके हमने क्या कमाया सर, हमने ओल्ड डिबेंचर परचेस किया ना, हमने क्या कमाया, मैंने जब ओल्ड सर हमने जो ओल्ड डिबेंचर परचेस किया ना, हम कितना कमाया, तो हमने याद करो डिबेंचर परचेस किया तो 1200 रुपए अपने जेब से दिया था ना, और अभी हमें कितना मिला 1800, तो 1800 माइनस 1200 600 रुपए तो कमाया ना हमने, 2 महीने का 600 रुपए का तो इंटरेस्ट कमाया ना, यही बिजनेस है। अगर आपके पास पैसा है तो अपने डिबेंचर परचेस कर लो, उसका ब्याज बच जाएगा आपको, याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये डिबेंचर तुमने कब सेल कर दिया, सेल ऑफ ओन डिबेंचर 111 को ना, तो 111 को क्या एंट्री पास करेंगे, इधर देखो, जब अपने डिबेंचर तुम बेचोगे तो पैसा मिलेगा, तो बैंक से डेबिट करना, कम इंटरेस्ट कर, लॉस प्रॉफिट बाद में देखेंगे, 3 चीज कंफर्म होते हैं बैंक, ये 3 चीज कंफर्म है, बैंक ओन डिबेंचर और इंटरेस्ट, ये कंफर्म है, तो बैंक डेबिट करेंगे, बैंक डेबिट करेंगे टू ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर सुनो, ओन डिबेंचर कितना से डेबिट किए थे, 27,900 से ना, उतना से क्रेडिट करने का 27,900, इतना समझा। नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, अपना कुछ टाइम तक तो मैंने भी रखा ना उसको, जून तक ब्याज मिल गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर
चार महीने का ब्याज मुझे भी मिलना चाहिए, फोर मंथ का ब्याज मुझे भी मिलना चाहिए, तो फोर मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे इसका फेस वैल्यू कितना है 30,000 के ऊपर 12% इंटू 4/12, 30,000 के ऊपर 12% 4/12 मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने रखा था, एक्रू है 30,000 के ऊपर 12% इंटू 4/12 आंसर आता है 1,200। तो सर मैंने कितना बार बोला बैंक हमेशा कम इंटरेस्ट के साथ लिखने का, कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड करने का। अब ये बताओ तुमने वो डिबेंचर कितने में सेल किया, 99 कम इंटरेस्ट का, बैंक हमेशा कम इंटरेस्ट का लिखना है। क्वेश्चन देखो इन्होंने डिबेंचर कितने में सेल किया, 99 कम इंटरेस्ट है, कितना डिबेंचर है 300, तो 300 इंटू 99 करो, सुन रहे हो 300 इंटू 99 करो आंसर 29,700। टैली कर तो डिफरेंस आएगा नीचे, जब आप इसको टैली करोगे तो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड में कितना आएगा 29,700 माइनस 27,900 माइनस 1,200 डिफरेंस आता है 600, मतलब 600 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किधर घुमाएंगे सर, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस में जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट किधर लिखेंगे पीनल अकाउंट में जाएगा, लेकिन ऐसा लिखने का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर, बाद में प्रॉफिट किधर घुमा देना पीनल अकाउंट में एंट्री, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू पीनल अकाउंट, क्योंकि बार बार होता है। ओके एज्यूम करता हूं सेकंड वाला पार्ट भी समझ में आया। सेकंड वाला पार्ट क्या सीखा सर ने, डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, वी हैव परचेस डिबेंचर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो एंट्री आएगा ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर टू बैंक, वी हैव परचेस आवर ओन डिबेंचर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो एंट्री क्या आएगा ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बाद में कुछ समय के बाद हमने इसको सेल कर दिया, कुछ अच्छा पैसा मिल रहा था इसीलिए, तो एंट्री तीन चीज कंफर्म है, बैंक हमेशा कम इंटरेस्ट लिखना, तीन चीज कंफर्म है बैंक हमेशा कम इंटरेस्ट के साथ लिखने का, टू ओन डिबेंचर और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, तो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस तीन में घुमाने का, एकदम इजी है। ओके अभी हम थर्ड सीखेंगे, जहां पे ओन डिबेंचर हमने परचेस किया लेकिन कुछ समय के बाद हमने उसको कैंसिल कर दिया, तब अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ओके इसको नोट कर लेना, डिबेंचर इमीडिएट कैंसिलेशन का अकाउंटिंग समझा दिया। जब आप परचेस करते हो तो यहाँ शुरू होता है ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर में एक समझा दिया आपको ओन डिबेंचर परचेस एंड आफ्टर सम टाइम वी हैव रीसेल दैट डिबेंचर, उसका भी अकाउंटिंग हो गया। अब तीसरा क्या करते हैं, जो ओन डिबेंचर हमने परचेस किया ना कुछ समय के बाद हमने उसको कैंसिल कर दिया, कैंसिल मतलब एक टाइप का रिडम्पशन जैसे ही हो गया रिडम्पशन, तो ओन डिबेंचर कैंसल, अभी कौन सा सिखाने जा रहे हैं ओन डिबेंचर कैंसलेशन, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करोगे। तो सुनो ओन डिबेंचर परचेस करो तो एंट्री आपको मालूम है ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर टू बैंक, अब कैंसलेशन का एंट्री क्या करने का ध्यान देना एकदम इजी है। कैंसलेशन वो देखो स्टार्ट वो भी कैंसलेशन था, ये भी कैंसलेशन है, लेकिन वो कैंसलेशन ऑन द स्पॉट हुआ था, जैसे खरीदा वैसे कैंसिल किया, यहाँ पे कुछ समय के बाद कैंसिल किया। तो डिबेंचर बैलेंस शीट में डिबेंचर, बैलेंस शीट में डिबेंचर क्रेडिट होता है, उसको कैंसिल करने के लिए डिबेंचर को डेबिट करेंगे, तो डिबेंचर को डेबिट करने का हमेशा फेस वैल्यू से, किससे फेस वैल्यू से, ओन डिबेंचर डेबिट किया था, ओन डिबेंचर डेबिट था उसको कैंसिल करने के लिए ओन डिबेंचर क्रेडिट करेंगे, इजी समझ गया। डिबेंचर लायबिलिटी है कैंसिल कर दिया, ओन डिबेंचर डेबिट था उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट लॉस रहेगा, ऊपर आएगा तो लॉस नीचे आएगा तो प्रॉफिट, ऊपर डिफरेंस आएगा तो लॉस नीचे आएगा तो प्रॉफिट। सर इसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अकाउंटिंग हम अलग करेंगे, इंटरेस्ट का अकाउंटिंग हम नीचे कर रहे हैं। तो सुनो इंटरेस्ट का एंट्री पास करना, जितना समय तक तुमने रखा था, कुछ समय तक तो रखा था ना डिबेंचर को आपने, उसके बाद कैंसिल किया रहेगा, तो जितना समय तुमने रखा था उसका ब्याज अपने को ही मिलेगा। तो एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है कंपनी की नजर से, और वही डिबेंचर हमने खरीद लिया तो हमारे नजर से इनकम है, तो एंट्री क्या पास करना डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। और प्रॉफिट लॉस तो आपको मालूम ही है, प्रॉफिट रहेगा तो कैपिटल रिजर्व में घुमाओ, लॉस रहेगा तो पीनल में घुमाओ,
प्रॉफिट लॉस एंट्री आपको मालूम है, प्रॉफिट रहेगा तो कैपिटलाइजेशन में घुमाओ, लॉस रहेगा तो पीएनएल में घुमाओ, सेम उसके जैसा जो इमीडिएट कैंसिलेशन किया तो वहां पर भी सेम अकाउंटिंग किए थे। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अभी हम लोग, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व भी दिखाता हूं आपको, थोड़ी समझ में आ जाएगा। ओके, इसको आप नोट कर लेना। अभी जो पढ़ने जा रहा हूं क्वेश्चन, ये एग्जाम में 5 to 8 मार्क्स के लिए आएगा। ओन डिबेंचर परचेस एंड आफ्टर सम टाइम वी हैव कैंसिल दैट डिबेंचर। सुनो, Rama Limited issued 8% debenture of 3 lakhs in the earlier year on which interest is payable half yearly 31st March and 30th September। Company interest साल में दो बार देती है, 31st March को 30th September को। देखो लिखा हुआ interest। Next, company has power to purchase its own debenture from the open market for cancellation। मिला, company अपना debenture purchase कर सकती है cancellation करने के लिए। The following purchases are made during the financial year and cancelled on 31st March 2010। मतलब जिस साल खरीदा उसी साल का आखिरी को कैंसिल कर दिया। तो पहला डिबेंचर परचेस किया 1st अप्रैल को 50,000 नॉमिनल वैल्यू द डिबेंचर फॉर 49,450x इंटरेस्ट। 1st अप्रैल को 50,000 कौन डिबेंचर परचेस किया जिसका फेस वैल्यू 50,000 है। 1st सितंबर को 30,000 डिबेंचर परचेस किया, दिखाई दे रहा है 1st सितंबर को डिबेंचर 30,000 है, पहले से लिख के रखा हूं 50,000 एक बार 1st अप्रैल को परचेस किया और 30,000 1st सितंबर को परचेस किया। पास जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन। ओके, ध्यान देना, सबसे पहला ओन डिबेंचर परचेस किया ना, तो कभी परचेस किया अपने 1st अप्रैल को, तो 1st अप्रैल 2009 को, 1st अप्रैल 2009 को एंट्री क्या आएगा, एंट्री ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसका इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि 31st मार्च को कंपनी ने इंटरेस्ट पे कर दिया, कोई दिन का इंटरेस्ट नहीं आता है। 31st मार्च को इंटरेस्ट पे कर दिया, 1 अप्रैल को इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, तो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने पैसा दिया तो ओन डिबेंचर कितने का परचेस किया था, 49,450 का मिला। इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखा समझ में आया ना, क्योंकि इंटरेस्ट 31st मार्च को ले लिया। नेक्स्ट एंट्री, 1st अप्रैल हो गया, 1st सितंबर को फिर से तुमने ओन डिबेंचर परचेस किया। सुनो, इस पे इंटरेस्ट कितना महीने का आएगा, 5 महीने का इंटरेस्ट आएगा ना, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1 2 3 4 5 5 महीने का इंटरेस्ट हमने अपना जेब से आउटसाइडर को दिया होगा। तो एंट्री आएगा 1st सितंबर 2009 को ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका इंटरेस्ट निकाल लें, 30,000 के ऊपर 8% फॉर हाउ मेनी मंथ, 5 मंथ। हमने डिबेंचर कितने परचेस किया पता लगाओ, 30,250 कम इंटरेस्ट, याद करो बैंक हमेशा कम इंटरेस्ट का लिखेगा, तो कितना लिखो 30,250 और इसका इंटरेस्ट कितना, 30,000 के ऊपर 8% 5 by 12 आंसर 1,000। तो डिबेंचर ओन डिबेंचर कितने का पड़ा हमें, बैलेंसिंग फिगर कितना 29,250। बोलो समझ में आया, एंट्री समझ में आया, ओन डिबेंचर परचेस, एक बार ओन डिबेंचर परचेस किया तो 1st अप्रैल को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, 1st अप्रैल को फिर से परचेस किया उसमें इंटरेस्ट आएगा क्योंकि हमने अपने जेब से उसको इंटरेस्ट पे किया 5 मंथ का इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट, अब आएगा मजा, 30 सितंबर को ब्याज देने का बारी आएगा आउटसाइडर को। तो एंट्री क्या आएगा, 30 सितंबर 2009 को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक जो आउटसाइडर को देंगे और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। ये याद रखो मेरा टेक्निक, ये हमेशा 6 मंथ का ही निकालने का, पूरा का पूरा सीधा सीधा 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना। तो कंपनी ने कितना डिबेंचर इश्यू किया था, 3 लाख ना, तो 3 लाख के ऊपर जो 3 लाख के ऊपर 3 लाख इंटू 8% इंटू 6 by 12 3 लाख डिबेंचर था, उसमें से 80,000 का हमने खरीद लिया तो 2,20,000 ही आउटसाइडर लोग हैं उन्हीं को ब्याज देना पड़ेगा, उसके ऊपर 8% 6 by 12 आंसर आएगा 8,800। कितना ब्याज हम खुद रख लेंगे, 80,000 के ऊपर 8% 6 by 12 समझ में आ रहा है, आंसर आएगा 3,200। कैलकुलेशन चेक कर लेना, 3 लाख के ऊपर 8% 6 by 12
12,000 में से इतना आउटसाइडर को देंगे और इतना हम खुद रखेंगे। छह महीने के बाद 31 मार्च 2010 को, छह महीने तक कुछ नहीं होना, एंट्री सेम आएगा। एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 12,000 बरोबर, टू बैंक कितना आउटसाइडर को देंगे 8,800 बरोबर, और कितना हमें मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर कितना 3,200। बोलो समझ में आया? एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट कौन कौन है देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्रेडिट, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट भी है ना। तो 31 मार्च 2010 को तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर किधर घुमाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन कैसा आएगा सुनो, 3,200 प्लस 3,200 माइनस 1,000 जो हमने दिया था, माइनस 1,000 5,400 इतना हमने प्रॉफिट कमाया ओन डिबेंचर खरीद के। नेक्स्ट, ऐसी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये पीनल अकाउंट में जाएगा, ये 12,000 और ये 12,000 अपना एक्सपेंसेस में जाएगा 31 मार्च 2010 को। पीनल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट कितना 12,000 प्लस 12,000 आंसर 24,000। बोलो समझा, ये 12,000 और ये 12,000 डेबिट डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, पीनल में घुमाएंगे। एंट्री पीनल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट 31 मार्च को डिबेंचर कैंसिल करना है, ये ओन डिबेंचर कैंसिल करना है। तो 31 मार्च को ओन डिबेंचर कैंसिल करोगे तो एंट्री आएगा कितना परसेंट डिबेंचर का, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना 80,000 फेस वैल्यू डिबेंचर, मैंने बोला ना हमेशा फेस वैल्यू लिखने का। और ये ओन डिबेंचर दोनों प्लस करो 49,450 प्लस 29,250 टोटल टू ओन डिबेंचर कितना 78,700 डिफरेंस आ रहा है ना। इसको क्या बोलोगे, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कितने का प्रॉफिट हो गया, -80,000 1,300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किधर घुमाएंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर पीनल अकाउंट में घुमाएंगे, इसको पीनल में घुमाएंगे। एंट्री प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अकाउंट डेबिट टू पीनल अकाउंट कितना 1,300। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। इसको आप वीडियो को फिर से बार बार देखें ताकि और अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो अज्यूम करता हूं तीनों समझ में आए, डिबेंचर परचेस फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, डिबेंचर परचेस फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट रखेगा तो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बाद में उसमें भी दो सिचुएशन है, कुछ टाइम के बाद रीसेल कर दिया, कुछ टाइम के बाद कैंसिल कर दिया। अज्यूम करता हूं वीडियो अच्छे समझ में, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑफ द ओन डिबेंचर। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपने फ्रेंड लोग का भी उसका बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।